ये जो क्वेश्चन थ्री है ये क्लास नाइन्थ की साइंस की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम है मोशन, और आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 112 और 113 पेज देखेंगे तो इसमें ये जो क्वेश्चन थ्री है यही क्वेश्चन थ्री आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब्दुल है, ठीक है ना, तो वो क्या अपने स्कूल की ओर जा रहा है, ठीक है ना, स्कूल की तरफ। तो अब्दुल अपने स्कूल जाता है अपने घर से, ठीक है ना, तो उस वक्त घर से स्कूल जाता है तो जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब क्या बोल, ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, अब उसी रूट से वो स्कूल गया था उसी सेम रूट से वो क्या हो रहा है, वापस जा रहा है, और जब वो वापसी में जा रहा है तो लेस ट्रैफिक की वजह से, ज्यादा ट्रैफिक ना होने की वजह से एवरेज स्पीड देखिए क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। यहाँ पर हमें अब्दुल का जो ट्रिप उसने जो किया जब घर से स्कूल गया और स्कूल से जब वापस गया, तो दोनों केसेस में, दोनों में उसका टोटल क्या एवरेज स्पीड है, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब देखिए जब वो स्कूल जाता है, ठीक है ना, अब वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है समझ, हम ये रिज्यूम कर रहे थे अपने घर से जा रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा, ये अब्दुल का होम है, ठीक है ना, हाउस, और ये स्कूल है, ठीक है ना। तो अभी वो जा रहा है स्कूल की ओर, स्कूल की तरफ, देखिए वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो उस तो जब स्कूल की तरफ जाता है तब जो स्पीड रहती है एवरेज स्पीड वो क्या रहती है, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड रहता है वो 20 किलोमीटर पर आवर ये रहता है। अब देखिए ये डिवाइड में है, इसको ऐसे लिखिए चाहे आप 20 किलोमीटर इस तरह से लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो होम से स्कूल जाता है तब एवरेज स्पीड क्या रहती है, 20 किलोमीटर पर आवर। इसमें कुछ टाइम नहीं बताया कि कितने टाइम में वो पहुंचा है, बस स्पीड यहाँ बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब क्या बोल रहा है, ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, अब यही सेम रूट है, अब वो वापसी की ओर जा रहा है स्कूल से घर की तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ दूसरा डायग्राम बनाती हूँ, अब रिटर्न में स्कूल से होम, ठीक है ना, ये रिटर्न वाला है, ठीक है, जब वो वापस लौटता है, ठीक है ना। तो देखिए वो होम से स्कूल गया तो, और जब स्कूल से होम गया रिटर्न, तो दोनों केसेस में डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, क्योंकि रूट तो सेम है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस दोनों केसेस में तो सेम रहेगा, है ना। तो अब देखिए जब वो रिटर्न में जाता है स्कूल से होम, यहाँ बता रहा है ना, सेम रूट, ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, जब वो वापसी स्कूल से होम रिटर्न जाता है तो लेस ट्रैफिक होने की वजह से एवरेज स्पीड देखिए 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए पहले में 20 किलोमीटर पर आवर है, और बाद में देखिए जब रिटर्न करता है तो लेस ट्रैफिक है, यानी कि जब कम ट्रैफिक रहेगा, गाड़ियां कम रहेंगी तब तो स्पीड ज्यादा रहेगी, तो देखिए इसलिए यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर बता रहा है, और इसमें क्या बता रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो रिटर्न में कितना स्पीड है उसका, एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये है। तो अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि इन दोनों में, होम से स्कूल गया और स्कूल से होम, तो टोटल क्या एवरेज स्पीड है, हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना। तो अब हम ये केस फर्स्ट लेते हैं जब वो होम से स्कूल जाता है, ठीक है ना, होम से स्कूल केस फर्स्ट। तो मैं यहाँ पर इस किताब को यहाँ रख देती हूँ और आपको ये एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है ना। तो पहला केस फर्स्ट में क्या लेती हूँ, केस फर्स्ट है जब वो स्कूल की तरफ जाता है तो उस केस में क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, ये स्पीड दिया हुआ है। अच्छा कितना टाइम लगा जाने में ये तो नहीं बताया, तो हम लेट मान लेते हैं कि लेट टाइम T1 बी टेकन फ्रॉम होम टू स्कूल, ठीक है ना। तो देखिए होम का जिक्र किया नहीं गया है, मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया कि वो अपने घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ होम से स्कूल जाने में जो टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम तो बताया नहीं है, तो कितना टाइम लग रहा है, मैंने वो टाइम T1 मान लिया, ठीक है ना। अच्छा देखिए डिस्टेंस भी नहीं बता रहा है, लेकिन इतना हमें पता है कि होम से स्कूल जा रहा हो या फिर वापसी में स्कूल से होम जा रहा हो, रूट सेम होने की वजह से डिस्टेंस तो दोनों का सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर लेट डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, लेट डिस्टेंस भी एक्स है, और देखिए यहाँ पर किलोमीटर लिखा है ना, 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से स्पीड की डिस्टेंस का जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, किलोमीटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक्स जो है क्या है, क्योंकि डिस्टेंस भी नहीं बता रहा है, लेकिन हाँ दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, तो हमने क्या मान लिया, वो डिस्टेंस एक्स है।
अच्छा होम से स्कूल गया, टाइम भी हमें नहीं पता, तो हमने इस केस में टाइम मान लिया है T1, ठीक है ना। यहाँ पे टाइम का डिफरेंस हो सकता है इसलिए क्योंकि देखिए पहले में 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, दूसरे में 30 किलोमीटर पर आवर, तो आप देख सकते हैं स्पीड का फर्क आया है तो टाइम का भी फर्क आएगा इसमें, कि होम से स्कूल जाने में कितना टाइम लगेगा, स्कूल से होम जाने में टाइम क्या रहेगा, सेम तो रहेगा नहीं, ट्रैफिक की वजह से टाइम जो है आगे पीछे हो सकता है, इसलिए इसमें हम टाइम T1 इसको लेकर चलेंगे, इसमें टाइम T2, लेकिन डिस्टेंस दोनों में सेम रहेगा, वो मैंने एक्स मान लिया, ठीक है ना। तब देखिए केस फर्स्ट, जब वो होम से स्कूल जाता है तो होम से स्कूल जाता है तो स्पीड कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और टाइम मैंने क्या माना है आप देख सकते हैं T1, और डिस्टेंस, डिस्टेंस में मैंने यहां मान लिया क्या माना है, डिस्टेंस माना है x। देखिए टाइम T1 है ना, इसको आवर मान, यूनिट भी लिखना होगा ना, देखिए तो टाइम का यूनिट कैसे लिखेंगे आप, ये स्पीड से समझ लीजिए, स्पीड क्या 20 किलोमीटर पर आवर, तो देखिए h क्या बताता है आवर, यानी कि यहां पर जो भी टाइम का यूनिट होगा वो आवर होगा, T1 आवर, ठीक है ना, और डिस्टेंस x है हमारा, हमने x माना है तो वो डिस्टेंस क्या रहा है किलोमीटर, वो हमने यहां से समझ लिया, तो यूनिट भी हमको लिखना होगा, ठीक है ना। तो स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये स्पीड का है, और जो हमें मेन यहां पर जो आंसर निकालना है, मेन हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, वो ये है, ठीक है ना, जो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब्दुल का एवरेज स्पीड क्या है जो ट्रिप उसने किया, ठीक है ना, तो वो ये मेन फॉर्मूला है, और हाँ ये जो बता रहा है ना आपका एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप भी 20 किलोमीटर पर आवर, ये बता रहा है जब वो अपने होम से स्कूल जाता है उस वक्त जो एवरेज स्पीड रहती है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये स्पीड ही है एक तरह का, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ये लगाया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए स्पीड कितना दिया 20, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए, इक्वल टू डिस्टेंस कितना एक्स, ये देखिए डिस्टेंस एक्स अपॉन टाइम कितना है T1, ठीक है ना, तो अब यहाँ इसको अपॉन 1 कर लीजिए, ठीक है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 20 किससे इंटू होगा T1 से, 20 जो T1 से इंटू होगा इसकल टू 1 से x इंटू होगा, तो 1 इंटू x x होगा, अब यहां से T1 निकाल लीजिए आप, T1 तो ये 20 इंटू में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 इंटू में ना इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला आएगा, ठीक है ना, तो ये टाइम T1 आ गया। अब हम सेकेंड केस लेते हैं, केस 2, जब वो रिटर्न होता है सेम रूट से, मतलब स्कूल से अपने होम जा रहा है, तो रिटर्न में जो रूट है वो तो सेम है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा इस केस में दोनों में, इसमें भी डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम रूट है तो डिस्टेंस हमारा यही रहेगा। तो यहाँ पर केस 2 में स्पीड कितना दिया हुआ आप देख सकते हैं, स्पीड क्या है लेस ट्रैफिक की वजह से, स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा अब स्कूल से होम जा रहा है रिटर्न, तो इसमें भी टाइम लगा होगा, कितना टाइम लगा वो तो हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम टाइम क्या मानते हैं लेट T2 v टाइम, ठीक है ना, इस केस में, और पहले वाले में मैंने T1 माना था, यहाँ पे मैंने T2 मान लिया, ठीक है ना, तो ये टाइम हो गया हमारा, तो टाइम हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइम जो है वो मेरा है T2, और देखिए आवर होगा यूनिट, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पीड में 30 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे टाइम का यूनिट आवर में होगा। अच्छा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा, यही रहेगा, एक्स ही रहेगा, तो एक्स किलोमीटर, ठीक है ना, तो स्पीड दिया हुआ है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, तो जस्ट जैसे इसमें यहाँ लगाया फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा दीजिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ एक्स, सॉरी यहाँ पर देखिए ये स्पीड है, स्पीड कितना है 30, तो इस स्पीड की जगह 30 लिखेंगे, इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, ये देखिए एक्स दिया हुआ, तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह एक्स अपॉन टाइम, टाइम मैंने क्या माना T2, यहाँ पर T2 लिख दीजिए, ठीक है ना, तो अपॉन 1 कर दीजिए, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो 30 को T2 से इंटू करेंगे तो 30 × T2 इज इक्वल टू ये वाला, फिर 1 को x से इंटू करेंगे तो x, हमें T2 चाहिए तो x, ये 30 × में इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू वाली चीज डिवाइड में चली जाएगी, तो ये हमारा T1 आ गया और ये हमारा T2 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा T1 क्या आया है, T1 जो हमारा आया है देखिए पहला वाले में T1 क्या आया है आप देख सकते हैं, x अपॉन 20, तो मैं ले देती हूँ x अपॉन 20, और T2 कितना आया है, T2 यह है x अपॉन 30, ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो अब टाइम हम पता चल गया T1 है और T2, अच्छा अब मैं आपको ये हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। तो अब पहले हम यहां पर क्या निकालेंगे, हमें एवरेज स्पीड निकालना, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए मैंने क्या डिस्टेंस माना है एक्स माना है, तो देखिए वो होम से स्कूल गया
तो डिस्टेंस मैंने एक्स माना है तो डिस्टेंस एक्स रहेगा। अच्छा फिर रिटर्न में स्कूल से होम गया तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जब होम से स्कूल गया तो एक्स, फिर स्कूल से होम गया तो एक्स, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एक्स प्लस एक्स, यही तो होगा ना। देखिए ये डिस्टेंस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्स किलोमीटर, ये डायग्राम में मैं बना देती हूँ, और इसमें भी इतना ही डिस्टेंस रहेगा, रूट सेम है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा भाई, हमें एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल एवरेज मतलब स्पीड, दोनों केसेस में क्या एवरेज स्पीड है हमें ये निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों का जोड़ेंगे, यानी कि एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, तो दोनों को जोड़ दीजिए 2x, यही होगा x प्लस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x होगा, और क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया, अच्छा अब टोटल डिस्टेंस हो गया, अब क्या है टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना होगा। अब देखिए होम से स्कूल गया तो कितना टाइम लिया था, t1 मैंने क्या माना था, टाइम क्या माना था इस केस में, t1 माना था, और जब केस 2 में जब वो रिटर्न सेम रूट से वापस गया तो टाइम मैंने क्या माना था, t2। तो जब होम से स्कूल गया तो तब टाइम कितना लग रहा था, t1, क्योंकि कुछ तो टाइम दिए नहीं तो हमने वेरिएबल ले लिया t1, और दूसरे केस में t2। तो टोटल टाइम क्या होगा, जैसे इसमें डिस्टेंस आपने x प्लस एक्स जोड़ा है तो इसमें भी टोटल टाइम क्या होगा, दोनों केसेस में दोनों को जोड़ देंगे ना, t1 प्लस t2 यही होगा। तो टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2 ये होगा। तो t1 हमारा क्या है, x अपॉन 20 प्लस t2 कितना है, देखिए x अपॉन 30 यही है, ठीक है ना, ये हो गया। अब एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 20 और 30 के टेबल में वो नंबर देखिए जो दोनों में कॉमन आता हो और सबसे कम हो, लीस्ट हो, तो क्या होगा 60 ही तो होगा, 20 के टेबल में भी 60 आता, 30 के टेबल में 60 आता, तो एलसीएम हमारा 60 होगा, ठीक है ना। और अगर आपको ना समझ में आए तो 20 और 30 इसका अलग से आप एलसीएम निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए ये 10 से चला जाएगा, 10 से 20, 10 से 30, ठीक है ना, फिर 2 1 2 3 यहाँ पर है, फिर 3 से जाएगा तो ये इतना आएगा। तो देखिए दोनों को इंटू 10 और ये 2 3 6 और 10 6 60, तो 60 आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब एलसीएम ले लो, 20 के टेबल में 60 कब आएगा, 3 टाइम, तो 3 को एक्स से इंटू करेंगे तो 3x प्लस 30 के टेबल में 60 कब आएगा, 2 टाइम्स, तो 2 को x से इंटू करेंगे तो 2x ये होगा। अब इन दोनों को जोड़िए, 3x और 2x दोनों को जोड़ दीजिए तो 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 5x अपॉन 60। तो ये टोटल टाइम आ गया दोनों को जोड़ने पर ये है, और टाइम की यूनिट क्या रहेगा, आवर, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस 2x है और टोटल टाइम इतना है, तो अब हमें एवरेज स्पीड निकालना है। ये देखिए ये है एवरेज स्पीड, तो जस्ट फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, देखिए टोटल डिस्टेंस 2x है, तो इस टोटल डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे, 2x, यूनिट क्या है किलोमीटर, तो यहाँ किलोमीटर लिख सकते हैं आप, अपॉन टोटल टाइम, ये देखिए टोटल टाइम है, टोटल टाइम लिखा ना, टोटल टाइम कितना आया है, ये देखिए टोटल टाइम 5x अपॉन 60, और यूनिट क्या है आवर, तो यहाँ पे आवर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड का यूनिट क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2x, ठीक है ना। अब देखिए ये डिवाइड है, तो इस डिवाइड को जब आप इनटू में करेंगे इस डिवाइड को, तो ये वाला चीज जो है ना ऊपर नीचे हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, जब डिवाइड के बाद ये वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो अभी 5x अपॉन 60 है ना, जब इनटू करेंगे तो ये 60 उल्टा कर दीजिए, जस्ट 60 अपॉन 5x हो जाएगा, ठीक है। और ये किलोमीटर है और अपॉन आवर, ये तो रहेगा साथ में इसके, यहाँ पे जैसे लिखा लिखते हुए चले जाएंगे, तो देखिए ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया ना। अच्छा 5 से ही कट जाएगा, 5 × 5 = 10, तो क्या आ रहा है 2 और 12, 2 × 12, फिर ये किलोमीटर और ये डिवाइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 12 × 2 = 24 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ एवरेज स्पीड। कहने का मतलब कि अब यही हमें आंसर निकालना है कि अब्दुल का जो ट्रिप था उसका जो एवरेज स्पीड है उस ट्रिप का वो ये है 24 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।